This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more information, contact 7303763540. जिला मंडी की आरक्षित विधानसभा 26 करसोग में विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की छंटनी का काम किया गया, जिसमें सभी नामांकन दुरुस्त पाए गए। उपमंडलाधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि करसोग विधानसभा में सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक से कोई भी आम नागरिक चुनाव से संबंधित कार्य को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह करसोग में प्रातः 9 से 11 बजे तक मिल सकता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए डॉक्टर एम अंगामुथु को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सर, आज विधानसभा चुनाव को लेकर जो है नामांकन दाखिल किए गए, उनकी छंटनी हुई है। आप जानकारी दें दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया यहाँ छंटनी में, सभी जो नामांकन ठीक पाए गए हैं? विधानसभा चुनाव 2022 में करसोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से टोटल 9 नॉमिनेशन पेपर आए हैं और 7 कैंडिडेट द्वारा फाइल किए गए हैं। सभी नॉमिनेशन वैलिड पाए गए हैं, कोई भी त्रुटि नहीं है और ना ही किसी ने ऑब्जेक्शन किया है, तो सारे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं। और इसके साथ हमारे स्क्रूटनी में आज जहां कैंडिडेट्स के इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट उपस्थित रहे, इसके अतिरिक्त हमारे जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर अंगामुथु भी उपस्थित रहे और उनके ऑब्जर्वेशन में स्क्रूटनी की गई और स्क्रूटनी पूरी होते हुए सभी जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो एक्सेप्ट किए गए, उनके सभी नॉमिनेशन पेपर। और कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, किसी की ओर से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। सभी को बता दिया गया था कि आप किसी का भी नॉमिनेशन पेपर देख सकते हैं और साथ में जो हमारी वेबसाइट है सीओ की वेबसाइट, उसमें भी सभी के एफिडेविट वगैरह अपलोड कर दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति उसमें देख सकता है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो नोटिस बोर्ड है उसमें भी सारे एफिडेविट वहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, जनरल पब्लिक के डोमेन में है और इसके अतिरिक्त कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ है। जो हमारे साथ करसोग विधानसभा में चुनाव ऑब्जर्वर जो हैं वो लगाए गए हैं वो भी यही हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे कभी मिल सकता है? बिल्कुल जी, हमारे जनरल ऑब्जर्वर का जो कार्यालय है वो HPPWD रेस्ट हाउस करसोग में स्थापित किया गया है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन से संबंधित कोई भी कंप्लेंट करना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, वो उनके दो नंबर जारी किए गए हैं, एक लैंडलाइन है और एक मोबाइल नंबर है, उसमें भी कर सकता है। और साथ में यदि पर्सनली उनसे जाकर मिलना चाहता है, उनको बताना चाहता है, तो वो 9 से 11 बजे तक हर दिन वो हमारे जो कार्यालय उनके लिए स्थापित किया गया है HPPWD रेस्ट हाउस करसोग में, वहाँ पर वो उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।